आपको बताते चले, थाना बर्रा कानपुर नगर क्षेत्र के बर्रा गांव निवासी जगराम सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह ने बताया कि पिता के नाम थाना बर्रा परगना तहसील जिला कानपुर नगर में अराजी संख्या 623 थी, जिस पर पिता की मृत्यु के बाद मेरा कब्जा व दखल चला आ रहा है। पीड़ित का उत अराजी के बाबत कानपुर विकास प्राधिकरण से सिविल न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है। उक्त मुकदमा में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा अराजी संख्या 623 से पीड़ित के शांतिपूर्ण कब्जा व दखल में हस्ताक्षेप करने से रोका गया है। आपको बताते चले, क्षेत्र के दबंग भू माफिया धीरजपुर सज्जन सिंह निवासी बर्रा गांव संदीपन अवस्थी पुत्र लेखराम अवस्थी निवासी साकेत नगर सुनील वाल्मीकि सभासद अराजी संख्या 623 को 625 बताकर जबरन अवैध निर्माण कर कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित जगराम सिंह ने जब इसकी सूचना स्थानीय थाना बर्रा को दी व सिविल न्यायालय द्वारा स्टे आदेश की प्रतिलिपि भी दिखाई, पर बर्रा पुलिस दबंगों के आगे नतमस्तक होती नजर आई, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हो गए और न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। पीड़ित न्यायालय के जिलाधिकारी कानपुर नगर एवं मुख्यमंत्री से भी लिखित शिकायत पत्र देकर उक्त दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर न्याय की लगा रही है गुहार। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।